Du Bois. From two fixed points is always constant. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि एलिप्स एक्चुअली में है क्या, है ना? एलिप्स क्या है? देखो, एलिप्स क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स. यहां पर हमारा कोई पॉइंट है, मान लो एक्चुअली ये जो दो पॉइंट हमने लिखे हैं, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन सम ऑफ हूज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट. और ये दोनों फिक्स पॉइंट क्या है हमारे? ये है हमारे फोकस. और क्योंकि दो है तो हम उसे फोकाई बोल देते. तो ये जो दोनों फोकाई है F1 और F2 से, इफ एनी पॉइंट से P या P1 ले लिया हमने, तो सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P1 फ्रॉम F1 एंड F2, या फिर अगर हमने P2 लिया है तो P2 का भी सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम F1 एंड F2, ठीक है, या फिर अगर हमने P3 लिया है then also its sum of its distance from both these points is always a constant, है ना? तो हमारा क्या होता है? P1 F1 plus P1 F2 is equal to P2 F1 plus P2 F2 plus is equal to P3 F3, P3 F1 plus P3 F2. उसका मतलब इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स. ऐसे सारे पॉइंट्स, मान लो हमारे पास में ये दो फोकाई थे F1 और F2, सो इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन दिस प्लेन. ऐसे सारे पॉइंट्स जो हैं उनका सेट ऑफ पॉइंट्स, द सम ऑफ हूज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स कॉल्ड फोकस. और फोकाई इज ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट, है ना? और उस कॉन्स्टेंट की भी कुछ वैल्यू है, मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है? तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम बोथ द फोकाई, उसका सम जो है वो हमेशा इक्वल रहते हैं. चाहे पॉइंट P1 हो, चाहे पॉइंट P2 हो, या पॉइंट P3 हो, इन सभी पॉइंट्स का जो सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू फोकाई is always equal and that is equal to some constant. वो मैं अभी आपको बताऊंगी कितना होती है उसकी value, ठीक है? तो ये तो हो गई आपकी ellipse की definition. अब हम ellipse के कुछ जो है main features के बारे में देखते हैं कि ellipse के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है? तो पहले आप लोग ये diagram draw कर लो, उसके बाद में one by one हम इसके important features देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास में आता है, इसको डेफिनेशन हटा देते हैं. देखो, इसे भी हटा दो, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन फिगर बना लेते हैं, ठीक है? यू ऑल्सो कैन मेक सेपरेट फिगर फॉर दिस. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एलिप्स के बारे में, वो आप लोग लिखोगे अब, है ना? कुछ न्यू टर्म्स भी आपको मिलेंगे. So, a line passing through this focus, these two are foci. इन दोनों को भी लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग. इन्हें हम क्या बोलते हैं? Foci. ठीक है? और इसे हम क्या बोलते हैं? This is the center of ellipse. One more thing, this ellipse will be the standard form of ellipse if the center is at origin. अगर उसका center जो है वो origin पे होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं? Standard form of ellipse है, ठीक है? So these two are foci, this is center. Okay. Now line passing through this focus and with its both end points on the ellipse is known as major axis. ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे मेजर एक्सिस.
और इस मेजर एक्सिस की लेंथ हमेशा होती है 2a. ओके, सो मेनी ऑफ यू आर जस्ट कमिंग फॉर अटेंडेंस, उनको पढ़ना नहीं है, सब आता है मुझे लगता है. वैसे भी नंबर आप लोगों के बहुत कम आएंगे मुझे पता है, फिजिकल क्लास के स्टूडेंट से सिंसियरिटी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट. मैं अभी फोटो ले लेती हूँ कि कौन कौन बच्चे गायब हो गए हैं, मैं कॉल करूँगी उनके घर में. दिस आई डोंट लाइक एट ऑल. यू आर जस्ट ज्वाइनिंग द क्लास फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस, बहुत गलत बात है. कोई बात नहीं, मैंने ले लिया है अभी फोटो हर अटेंडेंस का. ओके, सो क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, हाँ मेजर एक्सिस. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है हमारे पास में हमेशा 2a, ठीक है. तो मेजर एक्सिस के बारे में अगर आप लिखना चाहें, या पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे पॉइंट्स, फिर मैं आपको लिखवा दूंगी, है ना. नाउ अगेन द लाइन पासिंग थ्रू दिस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस मेजर एक्सिस इज नोन एज माइनर एक्सिस, इसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस ऑफ दिस इलिप्स एंड इट्स लेंथ इज 2b. इसकी लेंथ होती है 2b, इसकी लेंथ होती है 2a, ठीक है. और अगर हम लोग हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस की बात करते हैं या हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस की बात करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस. तो मान लो अगर हमने इन्हें कुछ नाम दे दिया है, जैसे ए है, बी, सी और डी. अच्छा, सेंटर भी अपन ने सी लिया हुआ था ना, इसको कुछ और ले लेते हैं. तो सेंटर को ओ ले लो. तो ये जो ए बी है हमारा, ए बी तो है हमारा मेजर एक्सिस, है ना. बट अगर हम इसका हाफ लेते हैं, ए ओ, ए ओ विल बी योर सेमी मेजर एक्सिस. ए ओ विल बी सेमी मेजर एक्सिस. सेम वे सी डी विल बी माइनर एक्सिस, बट सी ओ विल बी सेमी माइनर एक्सिस. ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं. ओके, अब अगर हम चाहें तो इनकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं ना, इन सबको आप नोट कर लो, ठीक है. तो सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं मेजर एक्सिस क्या है. सबसे पहले मेजर एक्सिस क्या है, इट इज ए लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकी ऑफ एलिप्स, थ्रू द फोकी ऑफ एलिप्स विद इट्स एंड पॉइंट्स ऑन एलिप्स, ठीक है. ये तो हो गया आपकी मेजर एक्सिस. और इसकी लेंथ कितनी है, इट्स लेंथ इज 2a. और सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है हमारी a. तब आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी, मींस यहां से लेकर यहां तक a है, ये भी आपकी a है एंड टोटल लेंथ इज 2a. ओके, सो दिस इज योर मेजर एक्सिस, ये लिख लो आप लोग. आज ये शायद एक्टिव है. ओके, लिख लिया सबने. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सेमी माइनर एक्सिस के लिख लेते हैं. हाँ गुड बेटा, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी एक्टिव. सभी लोग एक्टिवली अगर पढ़ेंगे ना तो फटाफट समझ में आ जाएगा, है ना. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज माइनर एक्सिस. क्योंकि ये टर्म्स आप लोगों के लिए न्यू है एकदम, है ना.
नेक्स्ट इज माइनर एक्सिस. माइनर एक्सिस क्या था? लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ एलिप्स एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस. सो इट इज ए लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस. ठीक है. इट्स लेंथ इज गिवन बाय 2b. इट इज ऑफ लेंथ 2b. और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ होती है हमारी, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ होती है हमारे पास में b. तो उसका मतलब ये भी हमारा b है, ये भी हमारे b है. ठीक है. तो सेमी माइनर एक्सिस आपको पता लग गया. और ये जो हमारे एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस हैं, ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिसेस. ये हैं हमारे इसके वर्टिसेस. ठीक है. तो वर्टिसेस क्या है? एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस. ठीक है. ये हैं हमारे वर्टिसेस, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस. अच्छा, इरशाद ने कुछ कुछ लिखा है आज. सेमी माइनर एक्सिस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वन ऑफ द को वर्टिसेस एंड इज हाफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. ओके. इट रन्स परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस. हाँ ओके, करेक्ट बेटा, सही एकदम. ठीक है. तो इसका मतलब आपको मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टिसेस, ये सब तो क्लियर हो गया है ना. और इनकी लेंथ के बारे में पता लग गया कि हम इनकी लेंथ को 2a और 2b या a और b से डिनोट करते हैं, है ना. क्लियर हो गया सबको ये सारे पॉइंट्स. ठीक है. अब आपके पास में बचा है कि हाँ, अब आप मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर कितना होता है. ये जो आपका फोकस है ना, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर इज डिनोटेड बाय सी, है ना. तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे इधर हो जाएंगे सी जीरो, उधर हो जाएगा माइनस सी जीरो, है ना. तो इसको भी आप पॉइंट लिख लो. ये आपका सेकेंड पॉइंट था, ये थर्ड हो गया. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलिप्स के बारे में. सो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू सी. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस हमारे हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस हमारी हो जाएंगे प्लस माइनस सी जीरो, है ना. ठीक है. तो अब आपने इसके सबके बारे में जान लिया. सेंटर तो जीरो जीरो पे है ही, ओरिजिन पे है ना, क्योंकि हमारे कोर्स में वो दूसरे टाइप ऑफ एलिप्स है ही नहीं. कभी कभी किसी बहुत हायर लेवल की बुक में आपको कुछ ऐसे एलिप्स दिख रहे हैं, है ना, या ऐसे कुछ दिख रहे हैं, बट हमारे कोर्स में है ही नहीं. हमारे कोर्स में केवल वही एलिप्स है जिनका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है ना. सो दैट मे बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन, है ना. बट हमारे कोर्स में अभी इतना ही है, है ना, यही वाले एलिप्स है विद सेंटर एट ओरिजिन. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि आपने कुछ तीन चीजें नोटिस करी होगी इसमें, कि ये जो हम लोग ये पूरा यहाँ से सेंटर से लेकर वर्टिसेस तक जो डिस्टेंस है, ये है आपका ए, है ना. तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए जीरो और माइनस ए जीरो, है ना. तो ये आपका हो जाएगा ए जीरो और ये हो जाएगा माइनस ए जीरो. तो ये हमारे पास में है ए, ये हमारे पास में है बी और ये हमारे पास में है सी. तो एक्चुअली में इन ए बी सी के बीच में भी देर इज सम रिलेशन बिटवीन दिस ए बी एंड सी.
सो लेट अस फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी. ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक. इसको तो मिटाई देते हैं, साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे, है ना. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी. ऑल ऑफ यू राइट रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी. इसके लिए हम वापस से अपना इलिप्स तो ड्रॉ कर ही लेते हैं, और इलिप्स में हमारे पास जो सिंपल पॉइंट्स थे वो लिख लेते हैं. तो अब इसमें आपको पता ही है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, है ना, पता है ना सबको. तो ये है हमारा, यहाँ से सी है, और ये है हमारा यहाँ तक ए है, है ना, और ये है हमारा बी. ठीक है, क्लियर है. नाउ लेट अस टेक एनी पॉइंट ऑन दिस एलिप्स. मान लो ये पॉइंट हमारा, ये ले लेते हैं हम लोग कुछ, क्यू ले लिया इन्होंने, है ना, ये पॉइंट हमने क्यू ले लिया. तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हम ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, इधर भी ड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस एफ वन एफ टू ले लो इनको, और ये ओ ले लो, है ना. सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एफ वन क्यू, एफ वन क्यू. So using Pythagoras theorem, it will be equal to what? Under root of b square plus c square. Yehi hogi? Under root of b square plus c square. ठीक है. अब उसका मतलब आपको एक इसके अंदर एक definition of ellipse से पता लगा था कि ये जो हमारा qf1 plus qf2 जो है, means distance of this point from both the focus is actually equal to some constant, है ना. तो वो कितना हो जाएगा हमारा, टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. दोनों सेम ही है हमारे पास में, तो इसे हम लोग फर्स्ट पॉइंट मार्क कर देते हैं. वी हैव यूज द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स हियर. ठीक है, और ऑल्सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स अब हम देख सकते हैं कि अब हम पर पास क्या क्या है डायग्राम में. F1, F2 है, ठीक है. अब आप मुझे ये बताओ कि किस कोई भी पॉइंट अगर इसके अंदर है, अब इस एक और पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, मान लो F1, F2, QP ले लेते हैं, चलो ठीक है. सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स यू नो दैट From the definition of ellipse, आपको पता है कि ये जो इसका distance है from this, that also is equal to what? Some constant, है ना. तो क्या हो जाएगा हमारा F1 P plus F1 P plus F2 P. ये आप निकाल सकते हैं कितना आएगा, देखते हैं. एफ वन पी का मतलब है ये वाला ए है और ये वाला सी है हमारा, है ना, तो ए प्लस सी हो जाएगा. और एफ टू पी कितना हो जाएगा, एफ टू पी. सो दिस टोटल इज ए माइनस सी, तो ये हो गया हमारा टू ए, है ना, निकल गया इससे. बिकॉज ये दोनों P और Q पॉइंट्स क्या है, वो तो एलिप्स पे ही तो है दोनों पॉइंट्स, है ना. तो इनसे हमारा आगे अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज तो ये सब क्या होते हैं, इक्वली होते हैं. ठीक है, तो उसका मतलब कि इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मार्क दे देते हैं. सो फ्रॉम वन एंड टू एफ वन क्यू प्लस एफ टू क्यू इज इक्वल टू
f1p plus f2p. So twice of under root of b square plus c square is equal to twice of a. Or if you square these two, you will get a square is equal to b square plus c square. जो आपका रिलेशन है बिटवीन ए बी एंड सी, ठीक है? तो आपने देख लिया कि रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये आपको वैसे मेनली ध्यान रखना है ना. डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो कि फ्रॉम वेयर इट हैज कम. ठीक है? तो आपने फर्स्ट थिंग जो इलिप्स के बारे में पढ़ी है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी, एंड इट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. आपको अभी ये याद रखना है आज के लिए, है ना. फिर कल से हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं इलिप्स के वो पढ़ेंगे. ठीक है? सो आई होप आज आपने जो जो इलिप्स के बारे में पढ़ा उसे रिवाइज कर लेंगे आप लोग, है ना. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी टुमारो. ठीक है? चलो, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, बाय बाय.